मैं अभी गुना कल जो हादसा हुआ था उनके पीड़ितों से, घायलों से, सभी से मिलकर के आया हूँ और मेरे मन में इसकी बड़ी पीड़ा है कि ये घटना बड़ी दुखद हुई है। मध्यप्रदेश सरकार सभी पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, हमारी संवेदनशील सरकार है। इस नाते से मैंने कल कुछ घोषणा भी की थी और वो उन घोषणाओं के आधार पर जो घायल हैं उनसे कहा कि इनका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के भी इलाज कराने की ज़रूरत है तो इलाज भी कराएंगे। दूसरा, जांच समिति का मैंने निर्देश जारी किए आज वहीं पे स्पॉट पे ही, चूँकि RTO की जवाबदारी थी, उनको गाड़ियों को चेक करना चाहिए था। अगर फिटनेस सेट अगर अन्य अन्य पेपर की कमी है तो स्वाभाविक रूप से उनकी जवाबदारी बनती है। ऐसे CMO जो फायर ब्रिगेड के लिए, उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने कहा दोनों को सस्पेंड किया जाए। और इसके लिए बड़े अधिकारियों के लिए भी मैंने CS को निर्देश जारी किए हैं, कलेक्टर SP को, चूँकि उनकी भी जवाबदारी बनती है जिले के अंदर ऐसे कोई अगर बगैर परमिट की गाड़ियाँ चलती है तो उसके बारे में वो भी अपनी आवश्यक सतर्कता बरतें। साथ ही साथ परिवहन विभाग, चूँकि जवाबदार विभाग है और परिवहन विभाग अगर प्रदेश भर में वाहन पंजीयन की बाकी कामों की जवाबदारी लेती तो इसके पंजीयन करने के लिए परिवहन के प्रदेश के बड़े अधिकारियों पर और संबंधित और उच्चस्थ अधिकारियों पर भी बात करते हुए इसमें उन पर भी कठोर कार्रवाई का मैंने CS को निर्देश दिए हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को हमारी सरकार कभी नहीं दोहराने देगी। जो हो सकता हम जरूर मदद करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार सभी कानून व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार की जनता को ये आश्वासन है कि हम सब मिलकर संवेदनशील तरीके से सारे मसलों को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी हृदयविदारक घटना दोबारा ना हो।